नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों में फिर से स्वागत है आपका। आज हम जा रहे हैं अपने धनाश मेले को और आपको बताएंगे किस तरह का होता है हमारा धनाश का ऋषि पृथ्वी का मेला। तो लेट्स गो, हमारे साथ एंजॉय कीजिए हमारे मेले को। चलिए तो दलाश छोटे कैलाश में पहुंचते ही ये मंदिर है जो हमने आपको पहले वाले ब्लॉग में बताया था, वहाँ से हमारे देवता श्री जोगेश्वर महादेव निकल रहे हैं जो मेला स्थान पे जा रहे हैं। तो यहाँ से मेले का आरंभ होता है। आगे देखिए किस तरह का रहता है हमारा दलाश का मेला, इसमें सभी देवी देवता एक दूसरे से मिलते हैं, इनके भाई बहन देवी देवताओं के साथ सभी लोग भी मिलते हैं अभी अपनों से, और मैं भी अभी अपनों से मिल रही हूँ। ये है मेरे नटखट भाभी जी जिनसे मैं अभी मिली, और ये है मेरे भाई लोग, मेरे बड़े भैया, दोनों मेरे बड़े भैया हैं जिनसे मैं मेले में मिली। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेला ही एक ऐसा फंक्शन होता है या शादी या मेले जिसमें हम अपनों से मिलते हैं। और ये है मेरे पापा जी, और पापा के साथ है भतीजू जो पहली बार आइसक्रीम खा रहा है, और देखिए किस तरह से खा रहा है, पूरा का पूरा मुंह खराब कर दिया है। तो पापा इसको बता रहे हैं कि किस तरह से खाना है। और मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो है मेरी मम्मा, जो सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। अभी उनसे मिल रही हूँ। यह है मेरी मम्मा जी, और इनके साथ साथ है मेरी नानी जी। तो देखो कितने सारे लोग मेले में मिलते हैं, बहुत सारे अपने, बहुत अच्छा लगता है। दो लोगों का मिलन भी होता है, देवी देवताओं का मिलन भी होता है, इसी को तो मेला कहते हैं। स्वागत किया जाता है देवता जी का। आप देख सकते हो किस तरह से सलीके से बजाया जाता है ढोल नगाड़े को, और स्वागत किया जाता है देवता जी का। स्वागत हो आपका महाराज।
देवता जी जैसे ही अपने स्थान पर पहुँचते हैं तो यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो भगवान जी को अर्पित करती है अपने घर से लाया हुआ अन्न, जिसमें से होता है अखरोट, चावल और सेब, ये भगवान जी को अर्पित किया जाता है यहाँ की महिलाओं के जरिए। तो आज का व्यू बने रहिए हमारे साथ।